सारा सामूहिक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। देने की बात नहीं, मैंने अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपना कंडीशनल इस्तीफा, समूचे कार्यकर्ताओं का कंडीशनल इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस को मैंने मेल कर दिया है। हमारे साथ छलावा हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि पैराशूट का उम्मीदवार हम नहीं लाएंगे। हम लोग बड़ी मेहनत, जी तोड़ मेहनत करके कांग्रेस को सिंगरौली में खड़ा किया है। हम लोगों ने 31 वर्षों से, सन 1987 से मैं कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन के महामंत्री ग्रुप में काम शुरू किया, फिर यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बना, फिर कॉलेज का मैं प्रेसिडेंट बना, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री 12 साल रहा, फिर जिला कांग्रेस का मैं उपाध्यक्ष अभी चल रहा हूं, और काम लेने के लिए लोग वर्किंग प्रेसिडेंट कह के हमसे काम लेते हैं। लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि मैं जब 2008 में सीट सामान्य हुई, मैंने आवेदन किया तो आदरणीय राम अशोक शर्मा जी का नाम आया, वरिष्ठ नेता थे, सब लोगों ने कहा, मैं मान लिया और मैं कांग्रेस का काम किया। 2013 में फिर जब मेरा नंबर आया तो आदरणीय बीपी सिंह राजावा साहब आए, क्योंकि वरिष्ठ थे, बहुत दिन से कांग्रेस में जुड़े थे, मैंने उनका सम्मान करते हुए मैंने काम किया। और आज जब हमारा समय आया, हमारा मौका आया, तो सीधे हमारे नाम को काट दिया जा रहा है, और काट के उड़न खटोले से, पैराशूट से आकर रेणु शाह जी, वो रेणु शाह जी जिन्हें कांग्रेस ने महापौर बनाया, जिन्हें कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष की लाल बत्ती दी, और जैसे ही 4 साल उनका कार्यकाल बीता, लात मार के कांग्रेस को गई और यही बोली सामंतवादियों की पार्टी है, इस पार्टी हमारा मेल जोल विचारधारा नहीं खाती, और वो यहां से उठ के सपा का दामन थाम ली। सपा में कांग्रेस प्रत्याशी राम अशोक शर्मा को हराई, फिर इंजीत कुमार जी को लोकसभा में हराई, फिर 2013 में स्वयं विधानसभा में हराई, और फिर अब देखें कि कांग्रेस अच्छी स्टैंड हो गई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है, इस बार कांग्रेस की मतलब सरकार बननी है, तो पुनः आके और बीएसपी से आई और चुपके से जाती है। मैं कहता हूं यदि उनके पास 100 आदमी भी सिंगरौली में खड़े होने वाले उनके साथ हो, तो मीडिया के सामने कहीं दिखा दे 100 आदमी उनके सामने खड़े होने वाले हैं। वो बीएसपी में भी गई थी तो पीछे के दरवाजे चुपके से घूंघट काढ़ के जाती हैं, कांग्रेस में भी आई है चुपके से गई हैं, दो के अलावा उनके साथ बता दें कितने कार्यकर्ता बीएसपी से लेके आई, मैं इस बात का दावा करता हूं। और मेरे साथ आप देख लीजिए, जिला कांग्रेस के 25 पदाधिकारी साइन करके आपको दिए हैं, हमारे विधानसभा के 3 ब्लॉक अध्यक्षों ने रिजाइन किया है, हमारे विधानसभा के 26 सेक्टर अध्यक्षों ने रिजाइन किया है, हमारे विधानसभा के 9 मंडल अध्यक्षों ने रिजाइन किया है, और हमारे विधानसभा के 273 पोलिंग के अध्यक्षों ने रिजाइन किया है, हमारे विधानसभा के 273 पोलिंग के बीएलएस ने रिजाइन किया है, और उनकी पूरी कमेटी ने रिजाइन किया है। 7360 कार्यकर्ता हमारे होते हैं और वो 7360 कार्यकर्ता रिजाइन किए हैं, और आला कमान को बतलाना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय आप न करें। अरविंद सिंह के साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हैं, आप अन्याय जो अंतिम छोर का कार्यकर्ता 15 साल से इन रेणु शाह जैसे लोगों से, इस भाजपा के शासन जैसे सामंतशाही लोगों से जो संघर्ष करके आज डंडे खा के, कुर्ते फड़वा के, जेल जाके संघर्ष करके पार्टी को खड़ा किया है, उसमें से ठीक है कोई कम किया होगा, कोई ज्यादा किया होगा, यदि 11 लोग जिन्होंने आवेदन किया है उसमें से किसी को पार्टी हाईकमान यदि टिकट देता तो मुझे संतुष्टि होती, कार्यकर्ता की संतुष्टि होती, और हम लोग उसका साथ देते। अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ है, आप कैसे करेंगे उनको टिकट मिल गया? मैंने ये नहीं कहा टिकट मिल गया, इसलिए मैंने कंडीशनल इस्तीफा दिया। मैंने मुझे ऐसा आभास हो रहा है, प्रदेश से मुझे ऐसी जानकारी दी गई है जी, कि आप शांत रहें इस बार। क्या आप ये टिकट नहीं मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हमारे ब्लड में कांग्रेस है,
31 साल संघर्ष किए हैं, इसलिए उसके प्रति पीड़ा है, नहीं आज ही मार के पार्टी को लात हम चले जाते। लेकिन 7 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, 7 तारीख तक यदि कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी रेणु साह को बना देगी तो 7 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, 8 तारीख को हम लोग सब लोग मिलकर बड़ा डिसीजन लेंगे और 9 तारीख को सिंगरौली के स्वाभिमान के लिए, सिंगरौली के न्याय के लिए, कांग्रेस के न्याय के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के न्याय के लिए मैदान में आएंगे। सिंबल आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा और 9 को पर्चा दाखिला कर। 10 लोग जो टिकट के दावेदार हैं उनमें से किसी को अगर मैं टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव? सहर्ष मैं लिख के दे चुका हूँ आदरणीय दीपक बावरिया जी को, जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्हें मैंने अवगत करा चुका हूं कि यदि इनमें से किसी को टिकट मिलता है तो मैं उनके साथ पूरे चल बल के साथ उनको जिता के भोपाल भेजूंगा। एक सवाल और है, जैसे ही आपके ही पार्टी कुछ लोग रेणु साह का बड़े स्वागत कर रहे हैं उनका, जैसे ही वो दिल्ली से आई संस्था लेके बहुत स्वागत, केवल वही इसे क्या समझा जाए? केवल वही स्वागत कर रहे हैं जिनको कांग्रेस से कोई दूर दूर तक कभी कोई मतलब नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेणु साह से उनको मतलब रहा है, और एक दो लोग कांग्रेस में छूट गए थे रेणु साह के जाते समय, वो लोग फिर से रेणु साह के साथ खड़े हैं और उसी पे हाईकमान विश्वास कर रहा है। तकलीफ इस बात का है कि जिसके लिए हमने झंडा ढोया, जिस कांग्रेस के लिए हम जेल गए, जिस कांग्रेस के लिए मैंने सब कुछ किया और इस उम्मीद में किया कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी हम लोगों को मौका मिलेगा, उस दिन यहाँ के युवाओं को बेरोजगार, युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगा, यहाँ के किसान के साथ न्याय करवाऊंगा, यहाँ के पॉल्यूशन की लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारी बात थी। इस वजह से हम लड़ाई लड़ रहे थे। हम 16-16 घंटे पार्टी के लिए काम करते हैं और मेरे साथ अभी इस तरह का अन्याय हो रहा है तो निश्चित तौर से सिंगरौली का कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता के साथ न्याय होने की उम्मीद नहीं की जा सकती।